नमस्ते, मैं हूँ स्मिता। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आदर्शों का क्या महत्व है, यानी कि आदर्श क्या होते हैं और आदर्शों आदर्श शिक्षा के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। हम उसके बेसिक नॉलेज, उसके तथ्य सारे देख लिए थे और आज हम पढ़ेंगे कि आदर्शों को पढ़ने की आवश्यकता एवं महत्व, आदर्शों को पढ़ने के लिए उसकी क्या आवश्यकता है और वो क्यों ज्यादा इतना ज्यादा जरूरी है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है रुचिपूर्ण शिक्षण के लिए। पहला है रुचिपूर्ण शिक्षण के लिए। आदर्श यहाँ पर जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बच्चों को रुचिपूर्ण शिक्षण कराने के लिए, बच्चा किताबी ज्ञान से या फिर किताब को ही देख देख कर या फिर सिर्फ बोलने मात्र से ही और बच्चा सुन सुन कर ही वो काफी ज्यादा बोरियत फील करता है, बोर हो जाता है, काफी थक जाता है और वो शिक्षा में थोड़ा सा अलगाव सा महसूस करता है। इसलिए बच्चे में वापस से वो पुनर्रुचि उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर आदर्श बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बच्ची को वापस से पढ़ाई से बांधने के लिए, शिक्षा से बांधने के लिए आदर्शों का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसके लिए हम नई नई जो भी टेक्निक है जो अभी वर्तमान में काफी विकसित हो चुकी है वो सारी की सारी टेक्निक हम उसमें उपयोग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे कि पुरानी जो विद्यालय जो चलते ही थे उसके साथ साथ में हमने आजकल बहुत सारा स्मार्ट क्लासेस ज्वाइन कर ली है, स्मार्ट क्लासेस हो गई है, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाना हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस हो गई है। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चे के अंदर एक रुचिपूर्ण शिक्षण का कार्य करती है। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट था रुचिपूर्ण शिक्षण के लिए। दूसरा है अधिगम स्तर को स्थायी रखने के लिए। जो भी अधिगम स्तर है, बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चा कितना सीख रहा है, वो सारा का सारा ज्ञान जो शिक्षक द्वारा दिया जाता है वो सारा का सारा ज्ञान स्थायी रखने के लिए, यानी कि परमानेंट रखने के लिए, वो कभी भी बच्चे के मस्तिष्क से कभी भी नहीं हटे। उसके लिए हमें आदर्शों के अंदर, पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे ऐसे विषय वस्तु का समावेश करना चाहिए और ऐसी ऐसी नवीन टेक्निक का यूज करना चाहिए जिससे कि बालक के मस्तिष्क में सारे की सारे जो भी ज्ञान है, जो भी शिक्षण विषय वस्तु से संबंधित हो, सारे का सारा स्थायी हो जाए। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करवाया जाए, प्रायोगिक कार्य दिए जाए, ठीक है, बच्चे पर जोर दिया जाए कि वो स्वयं करके सीखे। यदि बच्चा किसी भी विषय वस्तु से संबंधित, शिक्षा से संबंधित बच्चा खुद से करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा और वो उसका जो भी स्तर है वो उतना ही बना रहेगा, उससे भी ज्यादा जैसे जैसे हाई ज्यादा रहेगा और जो भी शिक्षा है वो स्थायी रहेगी। और इसमें जिसके मैंने पिछले बिंदु में बताया वो बिंदु अपने हर बिंदु में आएगा कि नवीन नवीन शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग करना और इन सबसे ही बच्चे के अंतर्गत रुचि बनी रहेगी। हमारा थर्ड पॉइंट है शिक्षण तकनीकी का प्रयोग। जिस तरीके से मैंने फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में शिक्षण तकनीकी प्रयोग पर जोर दिया था, उसी तरीके से हमारा थर्ड पॉइंट भी उसी का ही है, उसी से ही संबंधित है कि शिक्षण तकनीकी का प्रयोग। शिक्षण तकनीकी का प्रयोग ही एक आदर्श को और शिक्षक को और आदर्श से संबंधित जो भी शिक्षक पढ़ाता है शिक्षा के अंतर्गत वो उसको बहुत ही अच्छे से बांध सकता है। पुरानी जो भी तकनीक थी शिक्षा देने की वो बहुत ही ज्यादा बोरियत थी, ठीक है, वो पहले बहुत ही ज्यादा उपयोगी थी जो कि हम अपने गुरुकुल में मठों में आश्रमों में जो भी गुरुजन या फिर जो भी साधु मुनि जो भी पढ़ाते थे वो सारी की सारी चीजें वहां हद तक तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से सारी चीजें जल्दबाजी में हो रही है, देश विदेश से छात्र एक जगह से दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं तो उन सबके लिए पुरानी वाली टेक्निक का यूज करना बहुत कहीं पर भी सही नहीं है। इसीलिए हमें स्मार्ट क्लासेस का यूज करना चाहिए, कंप्यूटर के माध्यम से हमें शिक्षक को या फिर बालक को बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, बेसिक ज्ञान होना ही चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस हमें स्टार्ट करनी चाहिए जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं मुझे, वो सारे के सारे तकनीक के माध्यम से ही है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिससे कि बालक विषय वस्तु को देखकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेता है और वो ज्ञान उसका स्थायी हो जाता है। इसलिए हमें शिक्षा के अंतर्गत नवीन नवीन शिक्षण तकनीकों का समावेश करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत तकनीकी का त्याग करना। चौथा है परंपरागत तकनीकी का त्याग
व्यायाम करना, जो भी परंपरागत तकनीकी है जिसकी मैंने अभी बताया। पुरानी तकनीकी में क्या होता था कि जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, शिक्षक ने जो बोला, शिक्षक जो कर रहा है वो ही सारी की सारी चीजें फिक्स हो जाती थी, उससे ऊपर ना कोई चीजें होती थी ना ही उससे कम कोई चीजें होती थी। लेकिन वर्तमान में शिक्षक केंद्रित शिक्षा रखना संभव नहीं था। वर्तमान में हमारी जो शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित है। तो ये जो पुरानी जो तकनीक है जो शिक्षक केंद्रित वाली, वो हमने हटा दी है और बालक को ज्यादा महत्व दिया है। बालक पहले बालक गौण था और जो शिक्षक था वो सर्वोपरि था, लेकिन अभी बालक सर्वोपरि है क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। और शिक्षक कैसा हो गया, शिक्षक गौण हो गया, शिक्षक को द्वितीय स्थान दे दिया गया। और जो भी और ये सारी ये पुरानी तकनीक थी हमारी परंपरा से जो चली आ रही है, उसी साथ में जो जो बच्चा जो है वो मुख बधिर व्यक्ति की तरह सुनता रहता था और शिक्षक पूरे के पूरे पाठ पढ़ लेता था, तो सारी की सारी चीजें वहां पर बोल देता था। तो सारी की सारी चीजें फिलहाल त्याग हो गया है और पूरा का पूरा हो गया है कि पाठ्यक्रम इसमें हमारे अधिगम में पाठ्य वस्तु भी आ रही है, ठीक है, और शिक्षण तकनीकी भी आ रही है, शिक्षक भी आ रहा है और बालक भी आ रहा है। तो हमने पुरानी तकनीक का क्या कर दिया है, पुरानी तकनीक का ज्ञान त्याग कर दिया है। दूसरा है नवीन तथ्यों की खोज, हमारा पांचवा पॉइंट है। पांचवा है नवीन तथ्यों की खोज और साथ ही साथ में छठा है जो कि होना भी चाहिए, छात्रों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के अंतर्गत हमें जो पुराने जो भी आदर्श है उन सबको रिप्लेस करना चाहिए, उनसे हमें अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए और उनमें कौन कौन सी चीजें छूट रही है उन सबको एनालिसिस करके, उन सबको देखकर हमें नवीन नवीन तथ्यों का समावेश करना चाहिए, जिससे कि शिक्षा के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम भी आ सके, नवीन तथ्यों का समावेश हो सके। और बच्चे को जो चीजें नहीं, पहले जो चीजें नहीं मिली है वो वर्तमान में सारी की सारी चीजें मिले, इससे बच्चे का बौद्धिक विकास होगा, व्यक्तित्व विकास होगा, ठीक है। जब बच्चे का होगा तो समाज का तो स्वतः ही हो जाएगा, इसलिए हमें शिक्षा के अंतर्गत कोशिश करनी चाहिए कि हर दम नवीन नवीन तथ्यों का समावेश करना चाहिए। और हमारा लास्ट पॉइंट है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। नो डाउट कि जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल बालकों के लिए ही पढ़ रहे हैं, इसलिए बालकों पर ही ज्यादा फोकस किया गया है और बालकों के अंतर्गत ही सारी की सारी चीजों का समावेश किया गया है। यदि आज का बालक कल का भावी नागरिक है, इसलिए आज के बालक पे ज्यादा हम जोर देंगे तो कल में भविष्य में बहुत ही अच्छा करेगा, खुद के लिए बहुत अच्छा करेगा, समाज के लिए बहुत अच्छा करेगा, ठीक है, और अपने राष्ट्र के लिए तो अच्छा करेगा ही, और वो अपना खुद का व्यक्तित्व का विकास तो करेगा ही, साथ ही साथ में अपना सर्वांगीण विकास करेगा और अपने आसपास रहने वाले सभी नागरिकों का भी विकास करने की प्रयत्न करेगा। तो आज की हमारी क्लास थी आदर्शों में जो जो भी आवश्यकता, उसकी जो भी महत्व है, वो सारे के सारे हमने मुख्य बिंदु पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता पूछ सकते हैं।